2019 आगामी चुनाव को लेकर राहुल गांधी बुधवार को पार्टी कार्यालय पहुंचे। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस द्वारा 19 सालों बाद इस तरह की बैठक का आयोजन पार्टी कार्यालय में किया गया है, जहां देश भर से नेता शिरकत करने पहुंचे हैं। खासकर उन राज्यों के नेता जिन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि पार्टी की रणनीति और कई सारे बड़े फैसले इस बैठक में लिए जाएंगे। यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अब सप्ताह में 2 से 3 दिन पार्टी कार्यालय जाएंगे और वहां नेताओं से मिलकर आगामी चुनाव की रणनीति बनाएंगे। राहुल गांधी की यह बैठक और पार्टी कार्यालय में बनाई गई रणनीति क्या रंग लाती है, यह देखना बहुत जरूरी है और यह आप सबको देखने को मिलेगा आगामी 2019 चुनाव में। पार्टी कार्यालय में हो रही इस तरह की बैठक क्या रंग लाती है या राहुल गांधी द्वारा बनाया गया रणनीति क्या रंग लाता है, यह देखना बहुत रोमांचित होगा। लेकिन इसके लिए आपको अगले साल का इंतजार करना होगा।